हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस टेक राजा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप खाता बुक ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। खाता बुक ऐप सभी दुकानदार और बिजनेसमैनों के लिए है, जो कि इसमें डिजिटल आप किसी का भी बायोडाटा रख सकते हैं कि कौन कितना उधार लिया है, जो कि इसका काम है कि डिजिटल खाता मेंटेन करना। अगर आप कोई दुकानदार हैं या फिर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आप इसमें किसी भी कस्टमर का अपना खाता बना के रख सकते हैं। तो आप भी अगर खाता बुक ऐप यूज करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खाता बुक ऐप को आप यहां से प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भाषा पूछेगा, तो आपको यहाँ पे जो भी भाषा पसंद हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। भाषा सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपके फ़ोन में जो भी मोबाइल नंबर अभी लगा हुआ है, जो भी सिम लगा हुआ है, उसका नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ। नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके फ़ोन में 6 डिजिट का ओटीपी भेज दिया जाएगा और ये ऑटोमेटिक ले लेता है ओटीपी आने पर। तो आपको ऊपर से स्लाइड करना है और देखना है कि आपका ओटीपी आया है नहीं। तो आपको यहाँ पे 13 सेकेंड का टाइम भी दिया जाता है, अगर इसके अंदर ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ पे रीसेंट वाले बटन पर क्लिक करना। तो अभी मेरा ओटीपी आ चुका है और ये लॉगिन हो चुका है। तो ये लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड ए कस्टमर का, तो सिंपली आपको इस ऐड ए कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलाव का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलाव का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितना भी कॉन्टैक्ट है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर जिस कस्टमर के नाम से आप खाता क्रिएट कर रहे हैं अगर उसका नंबर है तो आप यहाँ पे नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम पूछेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे कस्टमर का नाम दे देना है, जो भी कस्टमर का नाम है। जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ विशाल। ये लिख देने के बाद और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद जस्ट उसके नीचे दिखेंगे तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का प्रोफाइल खुल जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने विशाल के नाम से बनाया है, तो यहाँ पे विशाल का भी प्रोफाइल खुल चुका है। यहाँ पे लिखा है यू गिव और इस साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे यू गॉट का ऑप्शन दिखेगा। तो इन दोनों का मतलब क्या है? यू गिव का मतलब है कि आपने उसे उधार दिया है कोई सामान, और यू गॉट का मतलब हुआ कि आपने जो उधारी दी थी वो उसका उधारी चुका रहा है, तो आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने इसे कुछ 50 रुपये का कोई सामान दिया है, तो मैं यहाँ से 50 इंटर करूँगा। 50 इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपने क्या सामान दिया आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ बुक। जैसे मान लीजिए मैंने किताब दिया है 50 रुपये और किस डेट पर दिया है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है डेट, तो इसे सिलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, तो मैं यहाँ से कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना और यहां से आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको यहां पे नोट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से आपको रिमाइंडर मी लेटर पे क्लिक करना है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ये 50 रुपये उसके खाते में ऐड हो चुका है। तो यहां पे आपको रेड कलर का 50 रुपये दिख रहा होगा, तो रेड का मतलब हुआ कि आपने उसको उधारी दिया है 50 रुपये। और अगर मान लीजिए कि वो 50 रुपये लौटा देता है तो आप कैसे जमा करेंगे? तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ से यू गॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटर अमाउंट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे अभी आप उस पर 50 रुपये पा रहे हैं, तो अगर उन्होंने 25 रुपये दे दिया आपको, तो यहाँ पे आपको 25 इंटर करना है और यहाँ से आपको नाम भी लिख देना है कि आपके 25 रुपये उसने किस चीज़ के दिए हैं। तो जैसे मैं बुक दिया था 50 रुपये का, तो मैं यहाँ से बुक लिख देता हूँ और किस डेट को जमा कर रहा है पैसा, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। और यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको रिमाइंडर मी लेटर पे करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि आपने उसे 50 रुपये का सामान दिया था जिसमें वो 25 रुपये लौटा दिया है, तो अभी कुल अमाउंट इसके पास 25 रुपये बाकी है। अगर आप उसे उधार देंगे तो आपको यहाँ पे रेड का ऑप्शन दिखेगा, अगर वो बिल चुकाता है तो आपको यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप उसे रिमाइंडर भेजना चाहते हैं कि आपका इतना पैसा बाकी है, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, रिमाइंडर और SMS। तो आप SMS के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर आप WhatsApp के थ्रू भी भेज सकते हैं। अगर ये बंदा ये नंबर से WhatsApp चलाता है तो वो WhatsApp में आप नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं कि आपका इतना रुपया बाकी है मेरे पास। तो अगर आप मैसेज से भेजना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा डियर सर मैडम योर पेमेंट 25 रुपये इज पेंडिंग।
ये मैसेज उसके पास चला जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि और उसका यहाँ पे कितना रुपया बाकी है। तो यहाँ से बैग आते हैं और अगर कोई भी सामान और लेता है तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से वो आया और 50 रुपये का कुछ ले गया, तो आप यहाँ से 50 इंटर करेंगे और यहाँ से उसका नाम लिखेंगे कौन सा सामान में वो ले गया है। तो यहाँ पे जैसे मैं पेन लिख देता हूँ और यहाँ से आप डेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कौन सा सामान ले गया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद रिमाइंडर में लेटर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 50 रुपये मैंने फिर उसे ऐड कर दिया है। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपको हिसाब करने में दिक्कत है तो आप जैसे ये देख ले कि 50 रुपये का पहले उसने सामान लिया जिसमें उन्होंने 25 रुपये लौटा दिए, तो बचे 25, फिर से उन्होंने 50 रुपये का सामान ले लिया तो कितना बचा 75। तो आप यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका और यहाँ से 75 उसके पास बकाया है, यहाँ भी आपको शो करे। और अगर आप उसका PDF भेजना चाहते हैं उस कस्टमर को तो आपको सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है और एंट्री डिटेल मारेंगे और यहाँ से ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके फ़ोन में सेव हो चुका है। तो आप इसे ओपन भी करके देख सकते हैं, तो मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा बायोडाटा आ चुका है कि कितना आपने दिया कितना लिया। तो अगर आप और भी कस्टमर ऐड करना चाहें तो सिंपली आपको यहाँ से ऐड कस्टमर पे क्लिक करना है और यहाँ से उसका नंबर है तो आप यहाँ पे नंबर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, जैसे मान लीजिए इसका खाता ऐड करना है तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि वही ऑप्शन आ चुका है कि अपना देना चाहें उसे उधार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 80 दिया और यहाँ से आप नाम भी दे सकते हैं कि किस सामान में दिया आपने। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने शॉप लिख दिया और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अगर प्रोडक्ट का फोटो लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते और उसके बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 80 रुपये ऐड हो चुका है उसके खाते में। तो अगर वो बंदा आता है और कुछ पैसे जमा करता है तो आपको यहाँ पे यू गॉट पे क्लिक करना है और जितना अमाउंट वो जमा करता है तो आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मान लीजिए वो 50 रुपये ऐड करना चाहता है और यहाँ से आपको उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना है और यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको फोटो लेना चाहे तो फोटो ले सकते हैं, अदरवाइज आप सेव वाले बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 50 रुपीज़ ऐड हो चुका है। तो यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका कितना रुपया बाकी। तो जैसे अभी 30 रुपये इसका बाकी है और 75 इसका बाकी है और दोनों मिला के जुड़े तो आपको यहाँ पे 105 इतना रुपया आप इन दोनों से पाएंगे। तो आप भी इसी तरह से किसी भी कस्टमर का खाता बुक बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।